जाते हुए करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिमालय की एक सामान्य पुरुष थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय। वो यहाँ पर केदार धाम में काफी समय उन्होंने गुजारा था और यहाँ पर प्रतिदिन वो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते थे। और आज जिस तरीका का उनका लगाव है केदार धाम में, वो लगाव अब दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जितना ये पवित्र स्थान है, इस स्थान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए अगर हम विकास के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा। इस समय हमारे साथ अजय हैं जो बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री पूजा करेंगे और किस तरह से कार्यक्रम करेंगे। तो ये जो दृश्य आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं विभिन्न जो जो कार्य हुए हैं उससे पहले जो नीरज आपको बता रहे थे कि जो परियोजनाएं हैं उसका अवलोकन, ये थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री जो अवलोकन कर रहे हैं उसके बारे में नीरज बताएं। देखिए अजय, ये वो पेंटिंग है जो भगवान शिव के जो तमाम जो रूप हैं उनको दर्शाती हुई अपना का जो कार्य किया गया है, उसके साथ ही जो संत समाज में केदार लिंग जी महाराज जो यहाँ के मुख्य रावल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो नीचे हरिद्वार में प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन है उसके भी धर्माचार्य यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि इस विशेष पूजन अर्चन में यहाँ पर उनका हिस्सा बनेंगे। और जो भगवान शिव के दिव्य स्थान बताए गए हैं 108, उसमें पहले ही श्लोक में इस भगवान केदार का जिक्र आता है, अष्टोत्तर शतम भूमौ स्थितम क्षेत्रम वदाम्यहम् कैवल्य शैले श्रीकंठ केदारो हिमवत्यपि, यानी कैवल्य शैल पर श्रीकंठ और हिम में यानी हिमालय में मैं केदार के रूप में अवस्थित हूँ। हिमालय की अगर हम बात करें तो ये भारत की संस्कृति है, स्थावर संस्कृति, सनातन संस्कृति, जो कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होती है। अगर आप हिमालय की बात करें तो इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं मंदिर के पीछे का वो बहुत ही अनुपम, और जिस तरह से कहा जाता है जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुख हरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्य हम शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर मन सुंदरम निकट मंदा किन सरस्वती जय केदार नमाम्य हम जय केदार नमाम्य हम श्री केदार नमाम्य हम। केदार लिंग जी महाराज इस वक्त मस्तक पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका माल्यार्पण करते हुए ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसे ही ये प्रवेश की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, मंदिर परिसर में प्रवेश प्रधानमंत्री का हो चुका है और यहाँ पर वो लगभग 30 मिनट तक अभिषेक का कार्य करेंगे। और आप देखें तो यहाँ के जो प्रधान पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के रावल होते हैं, जो कि धर्म गुरु भी हैं और शुद्ध वैर शैव जंगम की परंपरा के होते हैं। इस वक्त जिस कक्ष में आता है और बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति के नमूने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। केदारलिंग जी महाराज के साथ प्रधानमंत्री गर्भगृह में प्रवेश करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया कि अभी तक इस केदारनाथ मंदिर की जो परंपरा है पूजने की, वो दक्षिण भारत के रावल ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं और यही आध्यात्मिक जो व्यवस्थाएं हैं इस भारत को एकजुट करती हैं, इस पूरे भारत की संस्कृति को एक माला में पिरोने का काम करती हैं। विशाल, वेल अजय, इंडीड क्वाइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड दीज लाइव एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स आर ब्रॉट टू यू बाय दूरदर्शन। देयर यू सी द मैग्निफिसेंट स्नो कैप्ड peaks of Himalayas behind the Kedarnath temple, which has been beautifully decorated for the festival of lights and also for the day. Tomorrow the kapats of the temple would be closing, and so this is a very very eventful day, the visit of the Prime Minister, his address to the public, the promises that he made and fulfilled,
and also the developmental works that were conducted under his supervision, and it is all because of the vision of our Prime Minister what you see today. What do you say, Ajay? जी बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे इस मंदिर की परंपरा की, तो हम आपको ये बता रहे थे कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं यहाँ पे, जो पूजा करते हैं, तो दक्षिण भारत के रावल पुजारी जो कि धर्मगुरु होते हैं, वही प्रधानमंत्री के साथ आज पूजन अर्चन का कार्यक्रम करेंगे। ये एक परंपरा है, इस परंपरा को समझने की जरूरत है। और ये गर्भगृह के दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो पूजा अर्चन का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जहाँ पर बैठे हुए है, उसके नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वो अवस्थित है, और सामने आपको भगवान शिव की प्रतिमा नजर आएगी। शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिः आपः शांतिः खगः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितुरितानि पराशुभ यद्वरं समर्पयामि। ओम हरेर विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महाप्रकस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीसद्वराहकल्पे वैव विश्वेत्मन्मन्त्रस्तांस्तमे कलिगे कलिप्रसंचरणे जामुद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हिमोत्तरदेशे सुमेरु दक्षिण पार्श्वे अलकनन्दान मन्दार क्रमद्वये क्षीरगंगा मधुगंगास्कद्वारा मन्दाग्नितटे केदारे सरस्वतक्षेत्रे प्रमाथि नाम संयुक्तराक्षसनाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमन्तरेतोः कार्तिक मासे शिवे शुक्ले पक्षे शुक्ले प्रतिपदां सुपनस्थितो अद्यः नव संवत्सरः नव वर्षारम्भ एविर्षमहे श्रीः नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी महाभागा भारत राष्ट्र प्रधानमंत्री एवर समय भूवैकुंठ हिमालय यात्रा कृष्ण महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सनिधो अमृत काल वेलायां यथालब्धोपचारण तज्ञानेन सर्वेषां विश्व शांति हेतवे भारतवर्षो भारतवर्षोन्नति हेतवे करिष्यमाणं पूजनं दर्शनं अर्चनं अभिषेकं चोयं कर्मं करिष्यामहे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदर्भदन्ते पर प्रधानं पुरुषस्थाने विश्वस्कते कार्णमीश्वरं वा तस्मे नमो वेद्म विनाशिनाय मंगलदे नमः। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सदलं नमः नमः प्रकृति भद्राय नियतां प्रणतस्मरां। ओम महानमो निदिष्टाय प्रियतव दवेष्टाय च नमः नमाक्षोदिष्टाय स्मरहर महिष्टाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयवेष्टाय च नमः नमः सर्वस्मेते तदयमिति सर्वाय च नमः केदारलिङ्गं च उदारलिङ्गं श्रीशूलपाणिं भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितं तं केदारनाथं शिरसा नमामि केदारनाथं मनसा स्मरामि। मृत्युंजयाय नमो त्र्यंबकाय नमो त्रिपुरांतकाय नमो कालाग्निरुद्राय नमो कैलाशवासिने नमो भक्तवत्सलाय नमो सर्वात्मने नमो सर्वध्यक्षाय नमो लोकाध्यक्षाय नमो नमः सांसदाशिवाय नमः।
मोदी मिल। अशोचो वशर्वति नीलग्रीवाभिलोहितः उदेनङ्गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहर्जः सर्वेष्टा मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अधोजे असत्वानो हन्ते यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जाम् जासते हसैखवः पराता भगवो भवः निजं धनुः कपर्दिनो विशल्यो वाणवाङ्गुता अनेशं यशशायिखव आहुरशनिखङ्गतेः जाते हे त्रिमे दुष्टमहस्ते बभोवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तयत्मया परिभुजः हरिदे धन्मनो हे दिवस्मान् विश्वतः अतो जरिकोदिस्तवारे अस्मिन्न देहि तम् अवदधनुष्टघुं सहस्राक्षसते खुदे निषेजसल्लानामुखा शिवो नः सुमना भवान् नमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्याम् उतते नमः बाहुभ्याम् उतते नमः मानो अर्भकम् मान उच्चन्तमुतमान उचितम् मानो वधेः पितरम् मोतमातरम् मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररेखः मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोभुमानो अशेखरेखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो हरिखविमन्तः सदमिद्वा हवामहे ॐ गणेभ्यो गणवते रसवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातवते रसवो नमो नमो वृषेभ्यो रसवो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपे रसवो नमो नमः साम सदाशिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः हरेस्तेषां कमलवलिमादाय पदयो यदे गोणे तस्मिन्निगमुदहरण्येत्रकमलं ततो भाद्योत्रेता परणतिमशोचक्रवपुषा प्रियाणां रचाये स्त्रिपुरहरजागर्ति जगतम् ॐ नाभ्या आश्रितन्तरिक्षघं श्रीष्णोः ॐ वन्दे वन्दन तुलस्यमान सुमतिं प्रेमप्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णपूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवाशं शिवं सत्यं सत्यत्रिसत्यसत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो पाताकृतिं शङ्करम् शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृण मृणेति मृणेति मृणेति
वा भव भवेति 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 वा भज मन शिवमेव निरन्तरम् रट मन शिवमेव निरन्तरम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धने साम सदा शिवाय नमो शांति सुशांतिर भवतु चंद्रमा मनसो जातक चोह सूर्यो अजायत श्रोता द्वादश प्राण समुपात अग्निरजायत ओम जय शिव ओंकार हर हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ सदा शिव हर दंगे धार ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे भोले दश भुज ते सोहे तेनो रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमारं संसार सारं मुनिग्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सिद्धीकरणं ओम हरे ही ओम ृषेम माता सतिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव देव इमां पार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे शंकर भगवान की जय राघवस्य जलनिधितरणे सेतुबन्धे समुद्रे यावाय सौरौ अवसति गमने लक्ष्मणे शाद्य भिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्रे सर्वसौख्यं ददाति सर्वे भवन्तः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कस्य दुर्भाग् भवेत् यतो यता समीहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः पुरु प्रजायं पशुभ्यः
ब्रह्म कमल के मैं पीछे लगा हूँ करके रहूंगा जी वो तो आपका फिर हम भरत शिखर पर पहुंचा है इसके लिए गुरु की जो है आपकी फिर से जो है आगे अभी हमको जरूरत है और पांच साल हमारी सरकार में निर्मलवासित शोभितलिङ्गं जन्मजदो कविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान और इसी अखंड विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का नाम ही ज्योति है। और जिस तरह से हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग चिन्ह को कहते हैं आकृतिर जात लिंगाख्या। शिव पुराण में यह बताया गया है कि सबसे पहला जो लिंग है वो ज्योति स्तंभ रूप है और ज्योति स्तंभ रूप यानी अखंड ज्ञान स्वरूप जो कि प्रणव जिसे हम ओमकार के रूप में भी जानते हैं ये सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप है जो निष्कल है। अगर हम सूक्ष्म अपने शरीर की बात करें तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है कारण शरीर होता है उसी तरह से ये ज्योतिर्लिंग भी आप समझ सकते हैं कि जो लिंग स्वरूप है जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो ही शिव के लिंग के मूल कारण हैं और स्वयं लिंग रूप भी हैं। और इसीलिए जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित जो कि अगुण हैं अलिंग हैं निर्गुण हैं उसी तत्व को शिव कहा गया है। लेकिन वही अलिंग वही निर्गुण शिव तत्व साकार रूप में लिंग रूप में अपने भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं है लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ही प्रमुख स्थान है और ये ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ है वो 11वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करते हुए जो प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इस वक्त अपनी तस्वीरों पर देख रहे हैं कि 11वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन और वहां पर संक्षिप्त लघु रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री अब आदि शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है वहां की यात्रा पर निकल चुके हैं। परिक्रमा इस वक्त मंदिर की आप कर रहे हैं। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो जिस तरह से मैं बता रहा था इस मंदिर के पास में एक उदक कुंड है
एक रेतस कुंड है और हंस कुंड है, ये बहुत ही सुंदर है। कहा भी गया है कि उदक कुंड है अधम पावन, रेतस कुंड मनोहरम, हंस कुंड समीप सुंदर, जय केदार नमाम्य हम, जय केदार नमाम्य हम, श्री केदार नमाम्य हम। अन्नपूर्णा सह अपर्णा काल भैरव शोभितम, पंच पांडव द्रौपदी सह जय केदार नमाम्य हम। शिव दिगंबर भस्म धारी अर्ध चंद्र विभूषितम, शीर्ष गंगा कंठ फणिपति जय केदार नमाम्य हम। कर्तृशूल विशाल डमरु ज्ञान गान विशारदम, मद महेश्वर तुंग ईश्वर रुद्र कल्प महेश्वरम, पंच धन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्य हम, पंच धन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्य हम। नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम, नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम, जय केदार उदार शंकर पाप ताप नमाम्य हम, जय केदार उदार शंकर पाप ताप नमाम्य हम।